तो खाटू श्याम जी का दर्शन करने का बहुत मन कर रहा था। और एक चीज़ का मेरे मन में यार कन्फ्यूज़न है, यहाँ से खाटू श्याम जी जो है दो रास्ते दिखा रहा है, एक तो वाया गुड़गांव और एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अभी सबसे पहले जो काम करना है ना वो जाना है भाई मम्मी के स्कूल, मम्मी को लेने के लिए, और वहाँ से आज हमारे साथ मामा जी भी जा रहे हैं, तो जो बड़े मामा है ना तो उनका भी प्रोग्राम था, तो भाई वो भी जा रहे हैं, और साथ के साथ बहन जी को भी लेना है। अब बहन जी कौन भाई? मेरी बहन, तो उसको हम पिक करेंगे नोएडा से। आइए आइए आइए, मुझे तो ये नीचे पार्किंग लेके आ गई अपनी बुटिया को, ले आई बुटिया को। क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ से निकल पाएंगे आप? दिखाओ कितने यहाँ से निकल पाएंगे, क्या लगता है, क्या लगता है? यहाँ पे टोल प्लाजा है और इसके पास में ही यार जस्ट पास में एक ये गार्डन सा बना रखा है, और उसमें एक बहुत ही बड़ा एक लॉयन का स्टैचू बना रखा है, तो ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। अगर आप लोगों को फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो यहाँ पर मस्ट 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 आप आ सकते हैं। जब भी आप अगर खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो ये रास्ते में ही पड़ता है, और यहाँ पे आप अपना अच्छा सा फोटो क्लिक करा सकते हैं। काफी बड़ा है और ये बहुत ही सुंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, सीन क्या हुआ था हमारे साथ, हम लोग निकले थे मेरठ से, और मेरठ से निकलने में हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था। जैसे कि मैं सबसे पहले मम्मी को स्कूल से लेके आया था, स्कूल से लेके आने के बाद फिर मैं अपनी सिस्टर को नोएडा लेने गया था, और नोएडा से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिस पर अब हम करंटली चल रहे हैं, इसको पकड़ने पकड़ने में बहुत टाइम लग गया था। अभी रात के हो रहे हैं लगभग 7:15, और अब आगे शुरुआत करते हैं अपना सफ़र। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने, और आप भी हमारे साथ चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे दर्शन होंगे। ये थोड़ी सी मौज मस्ती हमने करनी शुरू करी थी जस्ट जो मैंने आपको शेर दिखाया था ना टोल क्रॉस करते के साथ ही, ये उसके आगे का सफ़र है, तो आप इंजॉय करिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना एक कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये देखो भाई कितने मच्छरों का मर्डर हुआ है, देख रहे हो आप? ओ भाई यार, लेकिन ये ना एक्सप्रेस वे बढ़िया बना रखा है, देखो बीच बीच में इस तरह के मिडवे टाइप्स बना रखे हैं। कैसा लग रहा है ये एक्सप्रेस वे आप लोगों को? बढ़िया बढ़िया है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये सब बीच में जो सब ये सब इस तरह के रेस्ट एरिया, आराम, लाइटिंग वाइटिंग सब गजब है, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है और आनंद आ रहा है पूरा। देखो यार देखो, बहुत ही प्यारी जगह है, गाड़ी साफ करूंगा और बाकी थोड़ा सपना थोड़ा बड़ा अपना फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। अभी भी यहाँ से यार टाइम देखूँ, टाइम हो रहा है भाई देखो 8:18 है ना, और अभी भी ये मान के चलो आप 220 किलोमीटर के आसपास है, कमर भी अकड़ सी गई, लेकिन ये एक्सप्रेस वे ना पकड़ के मैंने अच्छा काम किया। लंबा जरूर है, पेरिफेरल से बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है ये, मतलब यहाँ पे तो मस्ट विजिट है, आ जाओ। लेकिन यहाँ मच्छर आपकी गाड़ी का ऐसा कर देंगे, बेचारे मच्छर भी क्या कर देंगे, उनकी तो बेचारों की बस वही हो जा रही है। चलो शीशे वीशे साफ करता हूँ यार मैं इसको, ये देख रहे हो आप क्या नाश पिटा है भाई शीशे का, ये देखो साफ करता हूँ यार इसको, ये देखो माता का भी व्लॉग चल रहा है। मजा आया, बढ़िया, सही है, बहुत। और बहन हाउ इज इट? लड़की व्लॉग आमना सामना। ये देखो गाइस अभी एक में आए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे और भी हैं, काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। और कोई अगर इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहा है ना तो उसके लिए यार बाहर चार्जिंग स्टेशन भी है, मैं दिखाता हूँ, देखो दिख गया आपको? नहीं दिखा होगा, अभी यहाँ से देखो बोरा भाई चार्जिंग स्टेशन दिख गया, तो भाई चार्जिंग स्टेशन भी है। और अब यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं, ये एसी है, एसी है, हाँ ये एसी, इन्हें वो कहते हैं ना वो वाले एसी हैं, ये सेंट्रल एसी पॉइंट। ये तो रील बना बना के पागल हो गई, ये देखो
पापा मैं आऊँ फोटो खींचने, मैं आ रहा हूँ। चाय मंगाते, चाय ना 35 रुपए की है यहाँ पे। मैंने रेट पूछा और रेट आपको ही बता दिया, पता होना चाहिए। तो है कैसी पीने पाने में वो मैं आपको बताऊंगा, और मामा जी का जेन्युइन ओपिनियन बताऊंगा कि कैसी लगी, बाकी मम्मी का भी, आस्था का भी और पापा का भी। ठीक है, तो बने रहो, चाय आने का इंतजार है। ये है भाई कुल्हड़ चाय, रास्ते भर तो अपना खाना पीना खाते हुए आ रहे थे और अब है कुल्हड़ चाय। कैसी है मामा जी? सही है बस। चलो भाई, मामा जी ने तो एवरेज बताई, तू बता मैन कैसी है? अभी तो छू ही है बस। चलो अच्छी होगी, है ना। मम्मी ने अपने आगे रख रखा पिंक पिंक बैग। चाय तो ऐसे पता नहीं, मामा जी एवरेज बता रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। सही है मतलब, सही मतलब अच्छे वाले में सही है, अच्छी है मतलब, ऐसे ऐसे सही है। पापा पियो ना आप भी। मम्मी बताओ कैसी है? है ना, मस्त है। मम्मी ने भी कुछ सही वो दिया, तो सही का मतलब वो सही हमेशा सही नहीं होता, सही का मतलब अच्छा भी होता है, थकावट भी उतर जाएगी। क्या मम्मी? इससे पी के थकावट उतरेगी, थोड़ा रेस्ट मिला। बिल्कुल। गाइस टाइम देख रहे हो आप लोग, 10:15 हो गए हैं और अभी भी 2 घंटे 13 मिनट का सफर है और एस्टिमेटेड दिखा रहा है 12:27। और ये देखो भाई, जयपुर के लगभग आसपास ही हैं हम लोग, और भाई 356 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और अभी अप्रॉक्स किलोमीटर्स बच रहे हैं यहाँ पे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये है भाई 103 किलोमीटर अभी और चलना है नॉन स्टॉप। तो एक चीज़ और बतानी थी, जो ये मुंबई वाला एक्सप्रेस वे है ना, एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। हाँ जी मम्मी, नींद आ रही है? और इसका आपने डांस देख ही लिया होगा। ठीक है, क्या खेल खेल के मिला इसे? तू बता गाने कैसे सुनने चाहिए अगर बोर हो रहे हो तो? यूट्यूब की सेटिंग्स में जाए और उसकी जो प्लेलिस्ट स्पीड है उसको बढ़ा ले 2 times, 3 times, 4 times। और फन लेना हो तो -2 कर दो, और अगर स्लो में के सुनना है तो उसकी कम कर दो। तो भाई इसका डांस भी देख लेना भाई, जो तो बढ़िया खेल मिल गया, कहने लगी मजा आ गया। फरीदाबाद से आए हैं, दिल्ली में एक्सप्रेस वे से। पापा गुड मॉर्निंग, पहले गुड मॉर्निंग, पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद नहीं आ रही है सो भी उठे पापा। बम्बई एक्सप्रेस आए हैं और जयपुर आए हैं। जयपुर 2 घंटे में आ गए वहाँ से, सो सो के कहाँ से? हाँ बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से? अब जयपुर में हम घूम रहे हैं और घूमने के बाद में खाने का। आप कहाँ से हैं? आप आए कहाँ से? हम मेरठ से। पहाड़ भी दिख रहे हैं सामने, मेरठ से आए हैं। पर कैमरे में पहाड़ बहुत हैं यहाँ, पर दिख रहे हैं कि नहीं पापा? और रंग बिरंगी लाइटें हैं, जरा डायमंड चमक रहे हो। पहाड़ों पर जो जाने का सीन है ना, वो जयपुर में अरावली हिल से थोड़ा सा पूरा हो जाता है। क्या कह रहे हैं? हमें हवा तो चलवा लेता हूँ, भाई अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। नहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं यार, दिख रही हैं। ये रही, दिख गई पहाड़ियाँ। ये हमारे पास चल के आ गए। पापा शॉक्ड हो गए, अरे 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 अरे। ये हमारे पास चल के आ गए। दिन में तो यार बहुत गर्मी होती होगी, लेकिन रात में यार जितनी मतलब हमारी आंखें देख पा रही हैं, कैमरा उतना देख पाता तो फिर तो खैर कैमरा बनाने वाला यार खैर महान आदमी हो जाता। ये देखो गाइस क्या मस्त सुरंग है यार, है ना। अभी तक तो भाई वैसे देखी थी हम लोगों ने ऊपर हाई हिल्स पे, और यहाँ पे देखो जयपुर में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब खैर जयपुर वाले तो जानते ही होंगे यार, बट ऑब्वियसली, बट मेरे लिए ये नया है। बहुत लंबे टाइम पहले आया था मैं जयपुर, आई थिंक 2012 में आया था। बाहर बाहर से तो मैं कई बार निकल गया, बट जयपुर आना कभी नहीं हुआ। और खाटू श्याम जी भी मैं लास्ट ईयर आया था, बट इस रास्ते से नहीं आया था। ये रास्ता बहुत अच्छा है। पिंक सिटी में स्वागत है हमारा भी और सभी आप सबका भी। मामा जी भी सोने की तैयारी। अरे हल्का फुल्का कुछ ले लो, वहां नहीं मिलेगा। चाय वाय पी के थोड़ा।
भूख के मारे हालत खराब हो रही है, रात को टाइम हो रहा है 10:38। भाई ये दिखाई दिया, मैंने कहा यार चाय वाय पी लो या कुछ खा पी लो, सब एकदम से रेडी हो गए। चलो थोड़ा बहुत यार खाते पीते हैं, अभी तो भाई लंबा रास्ता है, देखना मम्मी और मामा की क्या हालत हो रही है। इन दोनों का तो मन ही नहीं कर रहा निकलने का। क्या हो गया, आ नहीं रहे? आ जाओ, कुछ चाय वाय, चलो इतने आराम करो फिर। How's it? मस्त लगा? गाइस खाना बहुत बढ़िया था यहाँ का, मतलब जो फास्ट फूड वगैरह हम लोगों ने खाया ना, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। और जयपुर जो है वो सिटी भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से यार सीधे चलते हैं, लगभग 2 घंटे लगेंगे हम लोगों को, तो अब रास्ते में कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, तो सीधे रूम पे चल के मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, एक बार रूम और दिखा दूंगा आप लोगों को, रूम कैसा है और कितने का पड़ेगा वो भी बता दूंगा, और जो टाइम वाइम होगा ना तो वो देखेंगे एक बार, मुझे भी आइडिया हो जाएगा आगे के लिए, है ना। तो चलो चलते हैं भाई। वहाँ गाड़ी नहीं जान देते क्या? ना पैदल गाड़ी जाती है ना, जाती समय आउट होंगी तब। मेन गेट कौन सा, मंदिर का या क्या? मंदिर का नहीं, जो वो एक बड़ा गेट है। हाँ, तो वो तो जब दर्शन करके रिटर्न हो गए ना यूं, तब मिलेगा वो। तब हाँ। So guys, अभी 12:42 हो गए हैं और अब पहुंचे हैं हम लोग पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर दी इधर पार्किंग है, और सामने भाई अपना ये होटल है, इसमें ही चलते हैं, उसको भी बंद करते हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर हो गए। जब लास्ट रुके थे 91 किलोमीटर, और टोटल गाड़ी कितनी चल गई यार हमारी, 460 किलोमीटर चली है यार गाड़ी। तो गाइस ये है अपना होटल, ठीक है, 211 आगे से, यहाँ पे सब रूम्स हैं, ये देखो नीचे भी बना रखा है। रूम्स अंदर से कैसे हैं वो भी एक बार देख लेंगे, फिलहाल तो ये है कि भाई अभी टाइम लगभग लो लगभग 1:05 हैं, तो चलो पहले रूम देखते हैं कैसा लग रहा है। मामा जी भवन में आके अच्छा लग रहा है, पर नींद भी आ रही है। नींद आ रही है, और मम्मी आपको अच्छा लग रहा है? पापा आपको कैसा लग रहा है? पापा बोलो खाटू बाबा की जय, श्री श्याम की जय। तो बाबा के दर्शन करने के लिए सब रेडी हैं? Yes. 1 बजे जा रहे हैं। चलो चलते हैं फिर, आओ चलो चलो जी, चलो चलो चलो, चल दिए सब लोग रेडी हो गए। वाओ, लगाओ पापा लॉक, लगाओ इसका लॉक लगाओ, चलते हैं फिर। तो भाई सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और सब सुपर एक्साइटेड हैं बाबा के दर्शन के लिए। क्यों ना एक्साइटेड हो, होना भाई बनता भी है, क्योंकि ना रश कम है तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा लालच होता है कि बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएं, तसल्लीपूर्वक हो जाएं। वैसे तो वहाँ भीड़ क्या होगी कैसी होगी वहीं जाके पता लगेगा, बट स्टिल बहन अभी का ऑप्शन बेस्ट है ना निकलने का। हाँ, बेस्ट है। एटलीस्ट भीड़ नहीं होगी। हाँ मतलब थोड़ी भी होगी तो एटलीस्ट सुबह जैसी नहीं होगी, आराम से दर्शन कर पाएंगे। हाँ सुबह भी जाएंगे, बट सुबह भीड़ भाड़ में वो जल्दी जल्दी करते हैं ना लोग, फिर बिल्कुल सड़कें सुनसान लग रही हैं। और ये देखो यार, खुद ही स्कैन कर लो भाई, देसी हिसाब, निकल जाओ, निकलो भाई निकलो, स्कैनर के अंदर से निकलो। वाह भाई वाह, ये तो स्कैनर बहुत ही अच्छा लगा। हाँ हाँ, अगर दर्शन अच्छे हो गए तो देख लेंगे, अदरवाइज बालाजी साला सर बालाजी महाराज के यहाँ चलेंगे दर्शन करने के लिए। भाई ये वाला होटल था जिसमें हम पिछली बार रुके थे, ये देखो श्याम सखा सदन, गेट वेट भी इतने प्यारे हैं इसके, और रूम्स भी प्यारे हैं इसके, बहुत ही प्यारे रूम्स हैं इसके, लिफ्ट विफ्ट सब लगी हुई थी इसमें। ये रहा ना श्याम सखा सदन, और यहाँ का खाना भी यार इतना टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है। और सामने ही जस्ट वहाँ पे पार्किंग है। गाइस ये देखो रात को भी
क्योंकि 24 घंटे मंदिर खुलता है, तो रात को भी सारी दुकानें खुली हुई हैं प्रसाद की। और अभी 1:30 बज रहा है, और जहां हम रुके हुए हैं ना, तो वहां से 300 मीटर कह रहे हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है, और बस अब आ ही गया मंदिर। लेकिन ये जो मैंने धर्मशाला दिखाई ना, मतलब जो होटल टाइप्स था जिसमें लास्ट टाइम रुके थे, वहां से बस वॉकिंग डिस्टेंस ही है। ये देखो इत्र वगैरह की शॉप, इस समय तो बिल्कुल आपको पीस मिलेगा, मतलब शांति बिल्कुल। ये तो भाई सीन हो गया, सुबह ही दर्शन हो गया। हम सोच रहे थे हम ही यार मतलब दर्शन करने आ रहे हैं, ये देखो कितनी भीड़ है यार। तो सुबह तो क्या हाल होगा यहाँ भीड़ का, बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर। चलो ले लेंगे इत्र की शीशी भी। तो ये है जगह चप्पल उतारने की। अब है कहाँ पे, ये मंदिर के जस्ट बराबर मेरा ये भाई की दुकान है, तो यहाँ से हमने प्रसाद भी लिया है, मामा जी ने भी लिया है, और यहाँ से इत्र की शीशी ले रही है मम्मी फिलहाल। प्रसाद ले लिया है हम सब ने। क्या क्या लिया प्रसाद में? प्रसाद में यहाँ पे चढ़ता है, ये है मिश्री, मतलब मेवा है, सूखी मेवा, इसका प्रसाद साथ में इत्र, इत्र इत्र भी जो होता है, तो बस ये। और ये दिखा, यहाँ पे सब निशान लेके आए हैं, इनको निशान बोलते हैं, वैसे सबको पता होगा, बट स्टिल। ओ भाई भीड़, चलो चलते हैं दर्शन करने। हमने सोचा था कि हम ही जल्दी आए हैं, पर यहाँ सभी जल्दी आए हैं। ये देखो गाइस बाबा के मंदिर में रात को 1:30 बजे भी इतनी भीड़ है, बहुत। मैं तो सोच रहा था लास्ट टाइम जब आया था ना, इतने अच्छे दर्शन दिए थे बाबा ने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज भी ऐसे दर्शन होंगे, बट इतनी भीड़ होगी यार मैंने सोचा नहीं था। पर ठीक है, जब आए हैं तो श्रद्धा भक्ति पूरी है, अच्छे दर्शन करेंगे और बाबा अच्छे दर्शन देंगे, बस ये प्रे करते हैं। देखो देखो देखो, जय बाबा की, जय बाबा की। श्याम बाबा की स्क्रीन पे ही इतने क्लियर दिख पा रहे हैं, अंदर से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये लाइव होता है, अंदर का कैमरा लगा हुआ है ना, तो उसमें से लाइव है। तो सब दर्शन कर लो आप सब, और बस हम भाई साक्षात करके आते हैं यहाँ, आपने करे समझे लिए, साक्षात ही करें आप सब ने भी। फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद अब थोड़ा पास पहुँच गए हैं, और आ ही जाएगा नंबर। भाई देखो कैसे देख रहा है, इधर भी मंदिर है एंड इधर भी मंदिर है। बाबा किधर हैं ये देखना पड़ेगा एक बार, जो VIP लाइन में जा रहे हैं ना उनको तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बट आई थिंक हम लोगों को ऐसे दूर से दर्शन करने पड़ेंगे, ऐसे पास नहीं जान देने के। जय बाबा की, आप सब भी दर्शन करो, जय बाबा की। अभी कहाँ चल रहे हैं? चलो श्याम कुंड देख के आते हैं। चप्पल ऐसे ही है, बस चप्पल हम लोगों ने साइड में उतार दी थी, तो वहाँ पे वापस जाएंगे, बट उससे पहले श्याम कुंड जाएंगे। ये देखो इतनी रौनक, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे होंगे ना, हमें पूरे इसमें 5 मिनट तो मैं खड़े लाइन में खड़े थे, हमें और हम फोन पे जाके थे, एक घंटे के आसपास लगा है टोटल दर्शन करने में ना, 2:18। हाँ 2:18 हो रहे हैं, सही है। चलो इधर से रास्ता श्याम कुंड का, सवा घंटा लगता है। हाँ तो बस वहाँ और चलते हैं हम, 1 बजे चलते थे वहाँ से, पौन बजे तक आ गए थे। चलो गाइस ये है श्याम कुंड जो है ना यहाँ पे, उसका गेट अभी बंद है, सुबह 6 बजे खुलेगा। तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और सब लोग बहुत खुश हैं, भाई बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दे दिए, ठीक है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के।
और हम सोच के आए थे कि भीड़ इस समय नहीं मिलने की, बट थी। लेकिन अब जैसे कि 2:30 बज रहा है रात का, अब भीड़ नहीं है, अब आप आराम से कर सकते हो। और सुबह 5-6 बजे से फिर भीड़ लग जाएगी और 24 घंटे मंदिर खुलता है। तो जब आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जब टाइम हो, बाबा आपको बुलाए, वैसे बिना बुलाए तो नहीं आ सकते, लेकिन जब बुलाएं तो आप जरूर आओ और बाबा के दर्शन करो। जय श्याम बाबा। तो जी फाइनली अपने कमरे में आ चुके हैं। ये देखो यार, आज का गरीब खाना यही रहे, गरीब खाना तो खैर नहीं है, तो मैं इसे गरीब खाना कहूँगा क्या कहूँगा। टाइम पे जो मिल जाए बस, वो अच्छा सोने का आसरा है। इसे कहते हैं समझदारी, सोने का आसरा है। तो चलो भाई दर्शन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगी आपको, हमें भी बहुत अच्छे हुए है ना। मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल जा रहे हैं हम लोग सालासर बालाजी, तो वहाँ के भी दर्शन करते हैं और फिर अपना राम राम करते हुए वापस घर पे। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।